हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे और सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये गुलाब के पेड़ हमारे गार्डन में। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर हमारे पेड़। अगर आप भी ऐसे ही गुलाब के फूल अपने घर में उगाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक फूल तो सूख गया, लेकिन इस पे देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल जो है खिले हैं। ये देखिए, अगर आप लोग भी इस तरह के ही फूल उगाना चाहते हैं अपने पेड़ पर तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मैं आपको आज बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल ट्रिक इसमें वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इस तरह के जो है फूल आप बहुत ही आसानी से अपने पेड़ पर भी कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, है ना कमाल के। ये देखिए, तो करना क्या है आपको, आपको नॉर्मल मिट्टी ले लेनी है अपने गार्डन में इस तरीके से। अगर आपके घर में गमला अवेलेबल है तो गमला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह का कोई भी डब्बा ऊपर से काट लीजिए, उसको मिट्टी से कवर कर लीजिए। यहाँ पर मैंने नॉर्मल मिट्टी ली है और आप जो है इस टहनी को लगा सकते हैं। और देखिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छा खूबसूरत पेड़ जो है तैयार हो जाता है, ये देख सकते हैं हमारे पेड़ पर। तो चलिए कर लेते हैं ट्रिक की बात, हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। मैंने इसमें अपने गार्डन की नॉर्मल मिट्टी यूज़ की है, और जो हम इसमें मैजिक करने वाले हैं वो क्या है, वो है चाय का पानी। चाय तो सभी के घर में बनती है दोस्तों, तो जब हम चाय बनाते हैं और एक्स्ट्रा चाय जो बच जाती है, हमें करना क्या है, उस एक्स्ट्रा चाय की पत्ती के साथ, छानना नहीं है, पत्ती नहीं फेंकनी है, पत्ती के साथ इसमें डाल देना है। याद रखिए, धूप के टाइम नहीं डालेंगे, सुबह के टाइम डालेंगे या शाम के टाइम डालेंगे, ठीक है। उसको डालने के बाद इसमें पानी हमें नहीं देना है, सिर्फ उसको डालिए और 2 से 3 घंटे के बाद इसमें हम पानी, थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा ही पानी यूज़ करना है। और दूसरी ट्रिक ये होगी हमारी कि जो भी फल आते हैं, या केला हो, सेब हो, अनार हो, कोई सा भी फल हो, किसी भी तरीके का फल हो, तो हमें क्या करना है, उनके छिलकों को हमें फेंकना नहीं है, हमें इन पेड़ों में डालना है। किसी भी तरीके का फल हो, कैसे भी फल हो, तो हमें वो इसमें डालना है, ठीक है। और इसमें डालने के बाद वो जो है इसमें खाद का बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा खाद जो है इन पेड़ों को देता है। और आप भी अपने घर में इस तरीके का पेड़ उगा सकते हैं, लगा सकते हैं, और इतने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल जो है आप भी अपने ही घर में उगा सकते हैं। देखिए, तो आपको यही 2 चीज़ें अपने पेड़ में इस्तेमाल करनी है। और इधर हमारे ये रेड और येलो कलर का फूल देख सकते हैं आप, कितना सुंदर है। मैंने इसमें भी यही चीज़ की है, नॉर्मल मिट्टी ली है, और ये देखिए सुबह का टाइम है तो मैं इसमें पानी ऐड किया है, मैंने इसमें अभी अभी मैंने इसमें यहाँ पर 2 गिलास पानी यूज़ किया है, इससे ज़्यादा पानी आपको नहीं लेना है, याद रखिएगा। तो मैंने ये दोनों पेड़ इस तरह के डब्बे में ही लगाई हुई है, ये देख सकते हैं आप लोग। और फूलों की तो जो है बात ही नहीं है कुछ, कितने सुंदर फूल इस पर खिल करके तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। देखिए, तो इसी के साइड में हमने मिनी फ्लावर्स लगाए हैं, छोटे छोटे फूल। इनमें मैं कुछ यूज़ नहीं करती, सिर्फ नॉर्मल मिट्टी में मैंने ये लगाए हैं, पानी का ध्यान रखती हूँ, थोड़ा पानी यूज़ करती हूँ, लेकिन धूप में पानी पौधों में बिल्कुल भी मत डालिएगा दोस्तों। अगर हम धूप में पानी दे देते हैं तो हमारे जो है फूल सूख जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे तैयार नहीं होते। ये देखिए, है ना कमाल के फूल। तो आप भी अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नए नए फूल पेड़ पौधों के बारे में। ये देखिए, बाय बाय। तो
तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए पेड़ के साथ, नए फूल के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।